नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना। और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शनिवार से सरकारी स्कूलों में शुरू हुई तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं कक्षा की परीक्षाएं। परीक्षाओं के संचालन के लिए स्कूलों में पूर्व से कर लिए गए थे सभी इंतजाम। 16 अप्रैल तक चलेंगी परीक्षाएं। डुमना के जंगल में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने देर रात आग पर पाया काबू। आग लगने से आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। और जबलपुर में अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए चलाया गया अभियान। कॉम्बिंग गश्त के दौरान चंद घंटों में पकड़े गए फरार आरोपी और वारंटी। शनिवार से सरकारी स्कूलों में कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं कक्षाओं के छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 16 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं में हजारों छात्र छात्राएं शामिल होंगे। सरकारी स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारियां पूर्व में ही कर ली गई थी। इसके अलावा कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं भी आयोजित की गई। शनिवार 8 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं और कक्षा सातवीं की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 16 अप्रैल को संपन्न होंगी। शनिवार को पहले दिन कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों का हिंदी, कक्षा चौथी के विद्यार्थियों का एनवायरमेंट, कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का गणित और कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का पेपर हुआ। इन परीक्षाओं में जिले के हजारों छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षाएं आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग और स्कूलों ने पूर्व से तैयारियां पूर्ण कर ली थी। आज कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं, सातवीं, नौवीं और ग्यारहवीं का पेपर हो रहा है विद्यालय में। और कक्षा तीसरी में हिंदी का पेपर है जिसमें 18 बच्चे दर्ज हैं। और चौथी में पर्यावरण का पेपर है जिसमें 29 बच्चे दर्ज हैं। कक्षा छठवीं में 67 बच्चे इनरोल्ड हैं और गणित का पेपर है। और सेवेंथ क्लास में 74 बच्चे इनरोल्ड हैं, विज्ञान विषय का पेपर है। इसके अलावा कक्षा नौवीं और कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों की भी परीक्षाएं आयोजित हुई। कक्षा नौवीं के छात्रों ने सामाजिक विज्ञान और कक्षा ग्यारहवीं के छात्रों के अलग अलग विषयों का पेपर हुआ। ये लोकल स्थानीय परीक्षा है जिसमें हमारे 9th और 11th के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। कितने मतलब है? 9th में 254 बच्चे हैं और 11th में 212। यही बस केंद्र क्यों है? हाँ, हमारे MLB का स्वयं का केंद्र है, बाकी जितने भी शासकीय उनके उन्हीं की संस्था में केंद्र है। आज 9th में सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 11th में भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान के तत्व। कक्षा तीसरी, चौथी, छठवीं और सातवीं की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद 17 अप्रैल से स्कूलों में नया शिक्षण सत्र शुरू होगा। जबलपुर में अपराधी वारंटियों की धरपकड़ करने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में देर रात सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों ने कॉम्बिंग गश्त की। इस दौरान गली मोहल्लों के साथ साथ बदमाशों और वारंटियों के ठिकाने पर दबिश देकर महज कुछ घंटों में 487 वारंटियों, 14 फरार आरोपियों और घातक हथियार लेकर घूम रहे बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में अपराधियों वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने देर रात अभियान चलाया। SPT के विद्यार्थी की अगुवाई में पुलिस द्वारा शहर में कॉम्बिंग गश्त की गई। इस कॉम्बिंग गश्त में पुलिस के आला अधिकारी सहित समस्त थाना प्रभारी शामिल हुए जिनके द्वारा आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दी गई। गश्त के दौरान आदतन अपराधियों वारंटियों को चिन्हित कर पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंची और उन्हें दबोच लिया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान 119 गैर मियादी, 193 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया। वहीं 175 जमानती वारंट भी तामील कराए गए। इतना ही नहीं, अभियान के दौरान विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में फरार 14 आरोपी और अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा देर रात चलाए गए इस धरपकड़ अभियान से बदमाशों में अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। कल जो हमने नाइट कॉम्बिंग अभियान चलाया था, 450 से अधिक स्थायी गिरफ्तारी फरारी आरोपी पकड़े गए हैं और जिन कर्मचारियों अधिकारियों ने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी कर रहे हैं। डुमना के एयरपोर्ट मार्ग स्थित डुमना के जंगल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये आग धीरे धीरे डुमना के जंगल से रहवासी एरिया की ओर बढ़ने लगी जिससे डुमना के जंगल के आसपास रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों सहित मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया।
गर्मी का मौसम आते ही जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। बीती रात एयरपोर्ट मार्ग के पास जुमना के जंगल में आग लग गई। आग की लपटों ने जंगल के साथ रिहायशी इलाकों को घेरना शुरू कर दिया। डुमना के स्थानीय लोगों और पुलिस ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल कर्मी दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे और देर रात आग पर काबू पाया जा सका। डुमना प्रियदर्शनी कॉलोनी के आगे मझकवा झाड़ियों में आग लगी थी। तत्काल मौके पर दो फायर वाहन रवाना किए। बड़ी मशक्कत के बाद जो बस्ती क्षेत्र है वहाँ की आग पर तो हमने काबू पा लिया था, घाटी बोलेंगे उस ओर जंगल में आग बढ़ रही थी। डुमना एयरपोर्ट अथार्टी, करमेता टीएनसीपी जो है और एमपीबी, इनको हम गर्मी ग्रीष्मकालीन के पूर्व सूचित कर देते हैं कि आप अपना जितना भी ये बारिश में जो कचरा उगता है इसको साफ करा लें, क्योंकि ये गर्मियों में कहीं कुछ भी कारण से आग लग जाती है तो काफ़ी परेशानी होती है। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन जंगल लगी आग से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया था। डायबिटीज बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रानी दुर्गावती कला वीथिका में रोटरी क्लब और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से दो दिवसीय कार्टून प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के जरिए लोगों को डायबिटीज को आसान शब्दों और चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। इस प्रदर्शनी में करीब 45 चित्रों का प्रदर्शन किया गया। भारत में डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य को लेकर विभिन्न संगठनों के सहयोग से रानी दुर्गावती कला वीथिका में कार्टून प्रदर्शनी लगाई गई। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में चित्रों के माध्यम से डायबिटीज को समझाने का प्रयास किया गया, ताकि लोग इस बीमारी को समझे और इस बीमारी के कारणों बचाव के तरीकों को जानकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। ये शायद पूरे एशिया का पहला ऐसा कार्टून प्रदर्शनी है जो लगाई गई है, जिसके द्वारा हम समाज में लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ में हमको क्या करना है, हमको किससे बचाव करना है। यदि हम इसको कंट्रोल करके रखेंगे तो दूसरी बीमारियां हमको नहीं पकड़ पाएंगी, इसी की तैयारी है ये। ये प्रदर्शनी आज रात को 10 बजे तक और कल सुबह 10 बजे से कल रात को 10 बजे तक रहेगी। प्रदर्शनी में 45 चित्रों का प्रदर्शन किया गया। इन चित्रों से लोग आसानी से डायबिटीज को जान सकेंगे और इस बीमारी के प्रति सतर्क भी होंगे। कभी सुंदरता का पर्याय बना जबलपुर का हनुमान ताल तालाब अब गंदगी की भीड़ चढ़ रहा है। तालाब में अब चारों ओर कचरा ही कचरा देखने को मिल रहा है। लोग घरों में होने वाली पूजा पाठ की सामग्री को तालाब में विसर्जित करते हैं, ऐसे में तालाब का पानी भी दूषित हो रहा है। आस्था के नाम पर जहां एक ओर नदियां प्रदूषित हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के बीच स्थित हनुमान ताल तालाब का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हनुमान ताल तालाब से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अधिकांश त्योहारों पर लोगों द्वारा यहां पूजा की सामग्री और कचरा डाल दिया जाता है, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में है। स्थानीय लोगों द्वारा घरों से होने वाली पूजा पाठ की सामग्री का विसर्जन भी तालाब में किया जाता है और ये कचरा तालाब को गंदा और दूषित करने में सहायक साबित हो रहा है। पानी का प्रदूषण इतना ख़राब हो गया है, यहाँ समझ लो जमाना का कचड़ा यहाँ डलता है, ऐसी बात नहीं है, रात ही रात डल जाता है यहाँ कचड़ा, पता ही नहीं चलता। और जो फूल घर के रहते हैं विसर्जन के लिए, वो डलते हैं तो लेकिन वो निकाल लिए जाते हैं। जब यहाँ नाली जुड़ी हुई है हर घरों से, तो उसका पानी है ना पूरा यहाँ हनुमान ताल में आता गंदा हो जाता है, और फिर वो पानी है ना पूरा ख़राब कर दिया है, बसाने लगा। अभी गर्मी आ गई है और कीचड़ ऊपर आएगा, मछली पूरी दंदाने लगेगी, पानी बहुत बसाने लगता है। यहाँ से निकलो जब तो वो बहुत पानी महकता हो। ये हनुमान ताल जमाने के लोग इधर कचरा फेंकते आके, मना करते तो मानते भी नहीं है, सब लोग कचरा फेंक के चले जाते हैं पन्नी में बांध के, जाली बनी हुई जाली में नहीं डालते हैं लोग, उसी कारण मलबा पूरा ऊपर आके पूरा बसाता है इधर हनुमान ताल में। हाँ, जवारे भी यहाँ विसर्जन, जवारे हुए विसर्जन, मतलब ये गंदगी इस तरफ से नहीं उठेगी। नहीं, मलबा निकलता है थोड़ी थोड़ी, रोज निकलता है, रोज सुबह शाम नाव से कचरा निकलता है, फिर गंदगी हो जाती है। सदियों पुराने हनुमान ताल तालाब में अब चारों ओर कचरा देखने को मिलता है, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में है।
बरेला थाना क्षेत्र में खेत में काम करने वाले मजदूर पर खेत मालिक ने नरवाई जलाने का आरोप लगाकर मारपीट कर दी। इस घटना में घायल हुए मजदूर ने बरेला थाना में घटना की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर बरेला पुलिस घटना की जांच कर रही है। बरेला थाना क्षेत्र में एक खेत में काम करने वाले करण सिंह नामक मजदूर के साथ खेत मालिक के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित मजदूर करण सिंह ने खेत मालिक के विरुद्ध मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इस पर खेत की नरवाई जलाने का आरोप लगाकर मारपीट की गई। आवेदक करण सिंह पिता देव सिंह पंद्रे निवासी मिड़की हाल रिपोर्ट दर्ज कराया कि यह इसके मालिक के खेत एवं बिलहरी निवासी विनोद पटेल के खेत की नरवाई में आग लगी थी, जिसे यह अपने खेत की नरवाई की आग बुझा रहा था। उसी समय अनावेदक गण आए एवं इसके ऊपर आरोप लगा कर कि तूने हमारे खेत की नरवाई जलाया करके मारपीट किया है। उक्त रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध है धारा 294, 323, 506, 34 एवं आदिवासी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। बाद विवेचना मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। आधारताल संजय नगर में रहने वाली एक नाबालिग बालिका को पुलिस ने धार प्रीतमपुर से बरामद किया है। बालिका को उसका जीजा बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। पुलिस ने बालिका के परिजनों की शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया है। आधारताल थाना पुलिस ने बताया कि करीब 2 माह पहले संजय नगर में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को पन्नी मोहल्ला में रहने वाला उसका दामाद भरत तिवारी बहला फुसला कर ले गया है। इस शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर बालिका की तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने धार प्रीतमपुर से बालिका को आरोपी जीजा के कब्जे से बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। 28/2/2023 को एक मामला कायम हुआ था। प्रार्थी बताया था कि उसकी बच्ची उसके दामाद भरत तिवारी के साथ चली गई, कहीं बेला फुसला कहीं ले गया है, जो जिसे धार पीतमपुर से दस्तयाब किया गया है। अपहर्ता बालिका एवं आरोपी भरत तिवारी को दस्तयाब कर लिया गया है, जिसे जीआर पर मांगने आया पेश किया जाएगा। पुलिस ने बालिका के बयान दर्ज किए हैं और मामले की विवेचना कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर बदल गया है। ऐसा राजस्थान में चक्रवात के एक्टिव होने और ट्रफ लाइन के गुजरने के कारण हो रहा है, जिसके चलते कई शहरों में बूंदाबांदी हो रही है और आसमान पर बादलों का डेरा है। जबलपुर जिले में भी मौसम के बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग में बूंदाबांदी होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो सेंट्रल राजस्थान में चक्रवात एक्टिव है, जिसका असर प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है और कई शहरों में आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। जबलपुर जिले में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। शनिवार की सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना कम है। हालांकि मौसम में हो रहा परिवर्तन लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। हमारे अपने शहर में भी बूंदाबांदी लगातार जारी है और मौसम के बदलने से बच्चों की सेहत पर भारी असर हो रहा है। मौसम को नज़रअंदाज ना करें, इसको देख के चलें और अपनी सावधानी बरतें। आज भी मौसम स्वास्थ्य के लिए देखें तो हानिकारक है। 13 से 15 अप्रैल के बीच तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है, लेकिन ये सामान्य से कम रहेगा। आगामी 15 अप्रैल तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।